गांधी सीट चेंज कर रहे हैं। सीट में दिक्कत नहीं है, राहुल जी में दिक्कत है, उनकी लीडरशिप में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बहुत बड़े मार्जिन से लोग आए। देखिए एक मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। आप पहले एक सीट पे लड़ते हो, दूसरी सीट का आपके मन में अभी विश्वास नहीं है, पहले आप वहां पे वोटिंग होने देते हो। वोटिंग होके आपने कोई इनपुट गैदर किया होगा, वायनाड में जब तक वोटिंग हुई, जब तक दूसरी सीट पे नहीं लड़ा चुनाव, फाइल नहीं किया नॉमिनेशन, वहां वोटिंग हुई तो उससे जो इनपुट आया कि भाई यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो रही है तो दूसरी सीट पकड़ो। दूसरी सीट भी अपनी पुरानी सीट नहीं, ऐसी सीट जो उनकी माताजी जहां पे चुनाव जीतती आई, वहां पे भी कराया कि भाई कहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां बोले साहब ये अमेठी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, तो यहां पर भाग्य आजमाया जाए। तो ये इस तरह का, मैं इसको कहूंगा दिस इज ए मिसचीफ, ये लोगों के साथ और विशेषकर वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड हुआ है कि जब तक उनका वोट नहीं बढ़ा आप एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे थे, जैसे ही वोट बढ़ा आपने दूसरा नॉमिनेशन और फाइल कर दिया। ये बताता है, एक परीक्षा में दो सवाल थे, कोई एक सवाल करना था, पर एक परीक्षार्थी ने एक सवाल किया और फिर दूसरा सवाल करने लगा। क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि पहला सवाल गलत हो गया है, जब भी वो दूसरा कर रहा है ना। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिक्लेरेशन में और सेल्फ गोल कर रही है कांग्रेस पार्टी, और वायनाड के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है, अब रायबरेली के वोटर्स के साथ फ्रॉड कर रही है कि जब तक मेरा वहां चुनाव नहीं होगा तो मैं वहां ही रखूंगा, जैसे ही वहां वोटिंग हुई मैं यहां फाइल कर दूंगा। अगर आपको दो जगह से चुनाव लड़ना था तो आपको किसने रोका था? पहले दिन बोलते कि मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा तो उनको लगा वायनाड के वोटर्स नाराज हो जाएंगे, पर वायनाड के वोटर्स तो फिर भी वोट नहीं किया जब भी आप दूसरी सीट से लड़ रहे हो, और वो भी ऐसी सीट जहां पे आपने जिस सीट से तीन बार रिप्रेजेंटेशन दिया वहां से नहीं, उसके पास वाली सीट से। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में कमी को दिखा रहा है, और ये सारी चीजें जो उनके अध्यक्ष ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने संसद में बोला था कि अब की बार 400 पार, तो ये कांग्रेस के जो आचरण है वो ही दिखा रहे हैं।